गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी इससे पहले हमने सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में कंप्लीट किया, वो सारी वीडियोस मैंने डाली हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स का ग्रुप कौन सा है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में ये कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका एक ग्रुप का नाम था, क्या नाम था वो? एंजियोस्पर्म्स। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो किस में आते हैं, वो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म। आपको याद आया कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। अब जो फ्लावर्स हैं वो क्या है प्लांट का? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूट, स्टेम, लीव जिसको हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं और फ्लावर जिसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। और फ्लावर्स कब आते हैं प्लांट के अंदर? जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा हमको तभी पता चलेगा जब उसके अंदर फूल आ जाएंगे। अब वो फूल के अंदर दो तरह के हो सकते हैं, या तो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर हो, या दोनों सेपरेट हो। तो उसके बेसिस पर हमको इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर बाई का मतलब होता है स्टूडेंट, यहाँ पर बाई का मीन्स होता है टू, बाई का मीन्स होता है टू। अगर दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। अगर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। Most plants have both male and female reproductive organs in the same flower. ज़्यादातर cases में male और female reproductive organs same flower के अंदर present होते हैं, जिसको हम बोलते हैं bisexual flower। जिसका बहुत अच्छा example है hibiscus, या जिसको हम बोलते हैं China rose। इसको आप देख सकते हैं, ये आप easily उसमें आपको पता चल जाएगा मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है। ये दोनों पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर है, तो हिबिस्कस यानी जिसको हम चाइना रोज बोलते हैं उसमें आप ये आराम से देख सकते हैं। यूनि, यूनि का मीन्स होता है वन। यूनिसेक्सुअल यानी एक ही पार्ट प्रेजेंट है, चाहे तो वो मेल फ्लावर हो चाहे तो वो फीमेल फ्लावर हो। तो व्हाइल अदर्स हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो वो यूनिसेक्सुअल कराएगा क्योंकि एक ही पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल। जैसे वाटरमेलन है, पपाया है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं जिनमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब एक फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबने फूल को देखा है, बट सबके नाम उस फ्लावर के जो पार्ट्स हैं एक्चुअली वो चार वर्ल्ड होते हैं, फोर वर्ल्ड्स होते हैं। सबसे बाहर वाला जो पार्ट आप देखते हैं ग्रीन, अक्सर आप रोज की बर्ड लाते हैं तो देखते हैं ना, बर्ड को प्रोटेक्ट करती है ग्रीन कलर की लीव्स, वो उसको प्रोटेक्ट बंद करके। जब फ्लावर बंद होता है, बर्ड होती है, जब वो मैच्योर नहीं होता, बर्ड का मीन्स है अभी जो फ्लावर है वो मैच्योर नहीं हुआ है, अभी बर्ड कंडीशन में है, तो जो ग्रीन कलर की लीफ होती है वो उसको बंद करके उसको चारों तरफ से कवर कर लेती है, और वो जो ग्रीन लीफ है उसको हम बोलते हैं सेपल। तो फोर पार्ट्स हैं, सबसे बाहर वाला जो ग्रीन लीफ वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सेपल, अंदर वाला कलर्ड पार्ट होता है जिसको आप फूल का कलर बोलते हो, जैसे कि रेड रोज है, पिंक रोज है, येलो रोज है, तो जो कलर से आप उसको डिफरेंशिएट कराते हो वो एक्चुअली किस में होते हैं वो कलर्स? वो होते हैं पेटल्स में। लीफ तो जो सेपल है वो तो ग्रीन ही है, बट पेटल्स का कलर डिफरेंशिएट कराने की वजह से आप उनको रेड रोज, पिंक रोज, येलो रोज, वाइट रोज बोलते हैं। तो वो किसकी वजह से? पेटल्स, पेटल्स डिफरेंट कलर्स की होती हैं, सेपल ग्रीन होती है। ठीक है, ये तो हो गए दो वर्ल्ड, सबसे आउटर वर्ल्ड हो गया सेपल का, उसके बाद आ गए पेटल, फिर उससे अंदर आ गए एंड्रूशियम, यानी इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी एंड्रूशियम मतलब जिसके अंदर हम सारे स्टैमेंस को रखते हैं। फिर आता है गायनुशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर आएगा कार्पल और पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? गायनुशियम भी बोलते हैं। सो अंदर वाला हो गया कार्पल या पिस्टिल, उसके बाहर हो गया हमारा स्टैमन वाला पार्ट, फिर आ गया पेटल्स और सबसे बाहर सेपल। तो सबसे आउटर मोस्ट है सेपल जो कि ग्रीन पार्ट है, तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन। जब फ्लावर मैच्योर नहीं हुआ, बड कंडीशन में है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। सो सेपल इज द ग्रीन पार्ट बिनिथ द पेटल्स, पेटल के नीचे होती हैं ये, टू प्रोटेक्ट राइजिंग बर्ड, जो बर्ड है उसको वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आप सब्जियों में भी अक्सर
कई बार आप देख लेते हैं जैसे टमाटर में आपको ऊपर दिखता है सेपल, वैसे तो जब फ्रूट बन जाता है तो सेपल गिर जाता है, पर कुछ फ्रूट्स के या कुछ वेजिटेबल्स में या हम उसको फ्रूट भी कहते हैं, टमाटर को बेसिकली वो फ्रूट है पर आप उसको सब्जी में काउंट करते हैं, तो टमाटर में आप उसको ग्रीन पार्ट जो देखते हैं वो सेपल है, मिर्ची में आपको दिखता है, भिंडी में आप देख सकते हैं तो वो सेपल का पार्ट है, ब्रिंजल में आप देख सकते हैं वो सब क्या है, सेपल जो ग्रीन आपको ऊपर दिखाई देता है। तो ये क्या करता है, टू प्रोटेक्ट राइजिंग बर्ड, यानी ये प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर आ गए पेटल्स, जो बेसिकली आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मेन काम क्या है, क्योंकि इनके डिफरेंट कलर्स हैं जिससे आप डिफरेंशिएट कराते हैं, ये हिबिस्कस का फूल है, ये रोज का फ्लावर है, ये मैरीगोल्ड है, उसके पेटल्स के कलर को देख कर ही आप उसको डिफरेंशिएट कराते हैं, और पेटल्स ही डिफरेंट कलर्स के होते हैं। सो दिस इज अ ब्राइट कलर पार्ट दैट अट्रैक्ट्स बीज, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, उसी को देख के हम अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं और उन्हीं को देख के इंसेक्ट, बीज, बर्ड्स सब अट्रैक्ट होते हैं। सो कलर ऑफ पेटल्स वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, हर प्लांट में अलग है, जैसे हिबिस्कस बिल्कुल रेड है, ब्राइट रेड है, रोज की डिफरेंट कलर्स हैं, पिंक भी है, डार्क पिंक भी होगा, येलो भी होगा, ऑफ वाइट भी होगा। सो प्लांट टू प्लांट, सम आर ब्राइट वाइल सम आर पेल कलर, कुछ प्लांट्स होते हैं जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं और कुछ वाइट है, ऑफ वाइट है, लाइट कलर के होते हैं, तो दोनों तरह से हो सकते हैं। The petals helps to differentiate one flower from another. Petals की वजह से, petals के colors की वजह से हम differentiate कर पाते हैं flowers को। फिर आता है stamen, यानी male reproductive part. Stamen क्या है ये? ये है male reproductive part. So this is the male reproductive part and is also known as androecium. इसको हम androecium भी बोलते हैं, यानी stamens को सारे को अगर include कर दें, इकट्ठा कर दें, तो हम उसको क्या बोलते हैं? Androecium. सो इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। अभी मैं इसका डायग्राम बना के आपको बताऊंगी कि इसके टू मेन पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर वाला जो पार्ट है वो मेन रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स। सो एंथर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग पोलन्स, और पोलन ग्रेन ही होते हैं जो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट, यानी पोलन ग्रेन ही जो है वो ट्रांसफर होते हैं फीमेल पार्ट पे, यानी स्टिग्मा पे जाते हैं। सो पोलन ग्रेन कहाँ बन रहे हैं? एंथर के अंदर। और फिलामेंट का काम क्या है? खाली उसको अटैच कराना। तो फिलामेंट इज ए सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता। तो रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करा रहा है? एंथर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और ये पोलन ग्रेन ही पॉलिनेशन के टाइम पर मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर जाते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेल गैमीट। तो पोलन ग्रेन जब जा रहा है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमेट, तो वो फीमेल गैमेट के पास जा रहा है, यानी स्टिग्मा पे जाएगा। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और फीमेल पार्ट के कौन से पार्ट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा, कहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। फिर अब देख लेते हैं हम स्टैमेन की स्ट्रक्चर, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमने डिस्कस किया था टू पार्ट्स हैं उसके, एंथर और फिलामेंट। तो ये है एंथर का पार्ट, ये है फिलामेंट। अगर मैं एंथर को सेक्शन कटिंग करती हूँ तो आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलती है। एंथर क्या है? एक बाइलोब स्ट्रक्चर है। तो एक लोब ये हो गया और एक लोब ये आ गया, और यहाँ पर क्या बन जाते हैं? चार पोलन सैक बनते हैं, जिनके अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर क्या बन रहे हैं? पोलन ग्रेन्स। तो ये क्या है? ये है पोलन सैक, और इसके अंदर क्या बन रहे हैं? पोलन ग्रेन्स। और ये पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? मेल गैमीट। ये पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होगा मेल गैमीट, और इसीलिए पोलन ग्रेन क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे मेल पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे पॉलिनेशन के टाइम पर। तो उसको हम पॉलिनेशन में डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आया कि एंथर का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यहाँ पर ये पोलन सैक बनते हैं, जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे, और ये पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे? ये मेल पार्ट से, यानी एंथर से, फीमेल पार्ट पे, यानी स्टिग्मा पे जाएंगे पॉलिनेशन के टाइम पर, और इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? मेल गैमीट, ठीक है। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के सेंटर में होता है। मैं आपको हिबिस्कस का फ्लावर लाके दिखाऊंगी कि उसमें कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो इसके इसके भी थ्री पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर मैं यहाँ पर इसको मैं रब करके थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी,
इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो ये हो गया स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये जो स्वेलन पार्ट है ये पार्ट कहलाता है ओवरी। और इस ओवरी के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होगा ओव्यूल, जिसके अंदर प्रेजेंट होगा एग। ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एग क्या है, एग है फीमेल गैमीट, एग क्या है फीमेल गैमीट। सो पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट था, मेल गैमीट। अब इसके थ्री पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो है वो ऊपर वाला पार्ट है जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए, क्योंकि पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के टाइम पर यहां पर आएंगे। तो क्या होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए ताकि जो भी पोलन ग्रेन आए वो वहीं पर रह जाए, उड़ के चला ना जाए। तो ज्यादातर केसेस में जो स्टिग्मा है वो क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। तो स्टिग्मा क्या हो गया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया पोलन ग्रेन के लिए, कि जो पोलन ग्रेन आ रहा है वो वहां पर स्टिक हो जाए। सो ये, और स्टाइल का काम है इसको कनेक्ट कराना ओवरी से। ओवरी जो स्वेलन पार्ट है जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और उस ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, एग यानी फीमेल गैमेट। सो बेसिकली मेल गैमेट और इस फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना है। ठीक है, तब जाके क्या बनेगा, जाइगोट। तो तीन पार्ट कौन कौन से हो गए, स्टिग्मा, इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ कार्पल विच मे बी स्टिकी, इट हेल्प्स इन रिसीविंग द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन, जो पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा पॉलिनेशन के टाइम पर। स्टाइल, इट इज द मिडल इलोंगेटेड पार्ट ऑफ कार्पल, ये वाला, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ स्टिग्मा टू द ओवरी, जो स्टिग्मा को ओवरी के साथ अटैच कराएगा। थर्ड जो मेन पार्ट है ओवरी, और ये ओवरी जो भी आप फ्रूट खाते हो वो ओवरी ही होती है, जो फ्लावर की ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ये ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। तो जो भी आप फ्रूट खाते हो आपको दिखता है ना उसके अंदर सीड है, तो बेसिकली जो आप फ्रूट खा रहे हो वो फ्लावर की क्या है, ओवरी, और उसके अंदर जो सीड प्रेजेंट है वो क्या है, ओव्यूल। तो अब आपको याद रहेगा कि ओवरी क्या है और ओव्यूल कहाँ है, उस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट यानी एग। सो इट इज द स्वेलन बॉटम पार्ट ऑफ कार्पल, इट कंटेन्स ओव्यूल्स हैविंग एन एग सेल और फीमेल गैमेट, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल, और ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट और एग। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या फंक्शन है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, डायग्राम भी बनवा लेते हैं और इसमें से कई सारे क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, आप दोबारा से इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको आराम से लर्न हो जाए, क्योंकि आगे की प्रोसेस जब आपको ये आएगा तभी आप इजीली समझ पाएंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।